भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी ईश्वर सिंह पाटीदार द्वारा रविवार को रूपखेड़ी में माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवा की मौजूदगी में शिक्षक मंदलाल पाटीदार रहे। आज हम खड़े हैं माँ अहिल्या की नगरी तराना में। माँ अहिल्या के नाम से जाने वाले ये तराना ऐसी नगरी है और यहाँ पर हमारे बीच में आज 10-12 जनवरी के बीच में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है माननीय श्री ईश्वर सिंह जी पाटीदार जी द्वारा और तमराना विधानसभा समक्ष भक्त मंडल द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला और उसकी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उसी बीच में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे आदरणीय ईश्वर सिंह पाटीदार साहब। उनसे हम जानेंगे किस तरीके से तैयारी चल रही है सर यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर। स्वामी जी के मंच को हम जो बनाएंगे 50x100 का मंच बनेगा और उसकी हाइट रहेगी 6 फीट और उस मंच पर कम से कम उनके साथ चलने वाले 50 संत रहते हैं। 40-50 संत वो विराजमान हो सके, तामझाम उनके व्यवस्थित लग सके, इस दृष्टि से बड़ा और मजबूत और भव्य मंच बनाया जा रहा है और महिलाओं को बैठने की पृथक व्यवस्था रहेगी। इसमें 75,000 स्क्वायर फीट में महिलाओं के लिए टेंट लगेगा और 14,000 और इसमें लगभग 15,000 से 20,000 भक्तगण 3 दिन तक 10, 11, 12 जनवरी को जो होने वाले सत्संग है उस सत्संग का लाभ लेने आएंगे। सर यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम इसको शुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम है और इस धार्मिक कार्यक्रम को ध्यान में रख करके किसी भी विचारधारा के जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्र के मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब, उज्जैन आलोट के सांसद सम्माननीय सोलंकी जी, रतलाम के क्षेत्र से धार झाबुआ के सांसद